नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर धवल मंगुकिया, गेस्ट्रो इंटेस्टिनल एंड लीवर स्पेशलिस्ट सर्जन, सिड्स हॉस्पिटल सूरत से। आज बात करने जा रहे हैं लीवर कैंसर के विषय में। लीवर जो पेट का सबसे बड़ा सॉलिड ऑर्गन है और पेट का शायद सबसे इम्पोर्टेंट सॉलिड ऑर्गन माना जाता है, दूसरी भाषा में कहें तो ये एक ऐसा ऑर्गन है जो शरीर का चेक मैकेनिज्म या मेटाबॉलिज्म के लिए मेन स्टे इन्वॉल्व कर सकता है। इसका एक मेन फंक्शन जो है वो है अल्ब्यूमिन सिंथेसिस एज वेल एज जो भी टॉक्सिक मटेरियल है उसको मेटाबॉलिज्म में कन्वर्ट करना। तो शरीर में जो भी टॉक्सिक मटेरियल एंटर होता है वो लीवर के चेक मैकेनिज्म के कारण से ही उसको ठीक किया जा सकता है। अब बात करते हैं कैंसर के विषय में। यूजुअली लीवर कैंसर काफ़ी अनकॉमन फाइंडिंग्स है जो अदरवाइज हेल्दी लोगों में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में वो काफ़ी कॉमनली भी हो सकता है। ये कौन से पेशेंट्स हैं? पर्टिकुलरली जो पेशेंट सफ़र कर रहे हिपेटाइटिस सी, हिपेटाइटिस बी या फिर सिरोसिस। सिरोसिस मतलब कम्प्लीटली डैमेज्ड लीवर, जो यूजुअली अपने भारत देश में या फिर और किधर देश में भी अल्कोहल की वजह से कॉमनली देखने को मिल सकता है। और जब कभी भी इस तरह से हाई रिस्क पेशेंट्स अगर हिपेटाइटिस बी सी या सिरोसिस से सफ़र कर रहे हैं, ऐसे पेशेंट में बहुत ही रेगुलर लेवल पे स्क्रीनिंग ज़रूरी हो सकता है। हेल्दी लोगों में ये इंसिडेंस कम है, लेकिन अलर्टनेस ज़रूरी है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये इंसिडेंटल फाइंडिंग होता है। मतलब अगर कोई पेशेंट में कोई और कारण की वजह से सोनोग्राफी कर रहे हैं वो समय पे लीवर के कैंसर भी डिटेक्ट हो सकते हैं। लीवर का कैंसर के निदान के लिए जो मेन इन्वेस्टिगेशन है वो है सीटी स्कैन। सेकेंड लेवल में एमआरआई या फिर स्पेशल प्रकार के लीवर स्कैन्स का उपयोग करके ये कैंसर को बहुत ही एक्यूरेटली टाइप के साथ डायग्नोस किया जा सकता है। इसके लक्षण जो है, एज मैंने बताया कि ये बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम इंसिडेंटल ही होते हैं, तो काफ़ी सारे पेशेंट में इसके लक्षण ना भी मिले, लेकिन बाकी सारे कैंसर की तरह वेट लॉस या फिर भूख ना लगना वो कारण दिख सकते हैं और लेट स्टेज में जॉन्डिस भी दिख सकता है। इसका इलाज कैसे किया जाए? अगर योग्य समय पे, योग्य स्टेज पे इसको डिटेक्ट कर सकते हैं तो उसका इलाज भी सक्सेसफुली कर सकते हैं। बाकी सारे कैंसर की तरह भी जब कभी भी अगर वो ऑपरेशन के दायरे में है तो ऑपरेशन के द्वारा उसको संपूर्ण तरीके से निकाल के पेशेंट को उससे क्योर कर सकते हैं। बहुत बार अगर पेशेंट को सिरोसिस या फिर परमानेंटली डैमेज लीवर है और उस सेटिंग में जब कैंसर होता है तो ऐसे केसेस में ट्रांसप्लांट भी एक ऑप्शन है। तो कोई भी ऑप्शन लेके जब कभी भी अगर योग्य समय पे इसको इलाज में लेके जाए तो पेशेंट को उससे मुक्ति मिल सकती है। एक यूनिक क्वालिटी लीवर की होने के कारण जिसका नाम है सेल रीजनरेशन या हाइपरट्रॉफी, इसकी वजह से लीवर के ऑपरेशन के बाद पेशेंट्स की रिकवरी काफ़ी अच्छी तरह से हो सकती है और शायद यही क्वालिटी का यूज़ करके आज लिविंग रिलेटेड ट्रांसप्लांट भी सक्सेसफुली पूरी दुनिया भर में हो रहा है। ये कुछ कॉमन जानकारी थी लीवर कैंसर के विषय में। इसके अलावा आपके कुछ स्पेसिफिक कैंसर के लिए या फिर लीवर के लिए क्वेश्चंस है तो हमें कोई इस माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।